हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी, एक और नया लॉन्च। आज BYD सील के लॉन्च पे, और ये गाड़ी लास्ट टाइम मैंने आपको ऑटो एक्सपो में दिखाई थी। आज बात करते हैं डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड है इस गाड़ी के अंदर। ऑटो एक्सपो के अंदर इस गाड़ी के इंटीरियर का एक्सेस नहीं था, हमें प्राइस नहीं पता थे, हमें वेरियंट्स नहीं पता थे, और कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें बिल्कुल नहीं पता थी। बट आज फाइनली BYD ने अपनी तीसरी गाड़ी इंडिया में लॉन्च कर दी है। पहली थी E6, उसके बाद Atto 3 और तीसरी है सील। इस गाड़ी का प्राइस स्टार्ट होता है इंडिया के अंदर 41 लाख रुपीज से, और आज की इस वीडियो में दूंगा आपको इस ब्लैक बीस्ट पर एक डिटेल्ड रिव्यू प्रोवाइड कराऊंगा और बताऊंगा हर एक चीज़ जो रिलेटेड है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स, सेफ्टी, प्राइस, वेरिएंट्स, और एंड में दूंगा एक वर्डिक्ट जहाँ पे आपको पता लगेगा कि कौन सा वेरियंट आपके लिए इस गाड़ी का लेना सही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। दोस्तों, अब आपको एक्सटीरियर से दिखाते हैं पहले सभी डिटेल्स। डिज़ाइन की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे हुड एरिया काफ़ी बड़ा है, और स्पेशली ब्लैक कलर में ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि दूसरा कलर मैंने ऑटो एक्सपो में आपको दिखाया हुआ है। BYD की बैजिंग आपको मिलेगी, और फ्रंट ग्रिल्स अगर आप देखेंगे तो फ्रंट पूरा क्लोज्ड है। यहाँ आपको मिलेगा फ्रंट कैमरा, नंबर प्लेट के लिए जगह, और नीचे हल्की सी एयर डैम दे दी गई। उसके बाद आ जाते हैं अपने लाइटिंग सेटअप पर, तो आप देखेंगे डुअल बैरल हेडलैम्प्स है, यहाँ पर भी DRLs है, और यहाँ पर रिपल डिज़ाइन दिया गया। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए गए। साइड प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ हाईलाइट होकर आपको दिख रही है वो है 235/45 R19 के अलॉय व्हील्स, जो कि सिमिलर है BYD Atto 3 के डिज़ाइन से। यहाँ पे इंसर्ट है BYD डिज़ाइन का, और टीयर ड्रॉप डिज़ाइन में आपको ORVMs मिलते हैं विद LED टर्न इंडिकेटर्स। NFC का फंक्शन यहाँ पे दे दिया गया, और विंडो लाइन आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं फुल साइड प्रोफाइल आपके सामने है, और ग्लास एरिया की अगेन बात करूँ, कोई क्रोम का यूसेज यहाँ पे नहीं है। प्लस क्वार्टर ग्लास आप देखेंगे यहाँ पे भी डिज़ाइन एलिमेंट्स का यूज़ किया गया। और रूफ की अगर बात करते हैं तो फुल ग्लास रूफ है, बट ये ओपनेबल नहीं है, वैसे सन रूफ नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रिक डोर हैंडल्स हैं, BYD की बैजिंग है यहाँ, और यहाँ से आप अपनी गाड़ी को चार्ज करेंगे। उसके अलावा V2L का फीचर और फंक्शन भी आता है इसके अंदर। अब चलते हैं रेयर डिज़ाइन की तरफ, और वहाँ से भी दिखाते हैं आपको बाकी चीज़ें। तो रेयर डिज़ाइन में आप देखेंगे सबसे पहले तो टेल लैम्प्स काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी यूनिक और कनेक्टेड पैटर्न में आ रहे हैं, जो कि आजकल का ट्रेंड है। यहाँ आप देखेंगे तो BYD की बैजिंग, उसके अलावा BYD सील 3.8S, और लेफ्ट साइड में ऑल व्हील ड्राइव। ऑल व्हील ड्राइव से हमें क्या पता चलता है, ये टॉप एंड वेरिएंट है। नीचे आप देखेंगे तो अगेन आपको बम्पर के अंदर पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा और नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई है, साथ ही कुछ रिफ्लेक्टर्स हैं। और नीचे अगर आपको दिखाऊं तो काफ़ी अच्छा बम्पर डिज़ाइन किया गया है, या रेयर स्केट प्लेट भी इसे हम बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर रेयर क्वार्टर से आप इसकी एक लुक लेना चाह रहे हैं तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगती है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगती है। प्लस जिस प्राइस में ये इंडिया में लॉन्च हुई 41 लाख एक शोरूम के प्राइस में, उस प्राइस में बाकी दिखने के हिसाब से काफ़ी यूनिक गाड़ी है निकल के आती है। चलिए दोस्तों, अब आपको मैं दिखा देता हूँ इसका फ्रंट। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसमें हुड एरिया तो है नहीं, और यहाँ आप देखेंगे तो 50 लीटर्स का फ्रंट स्पेस आपको इसके अंदर मिल जाता है। बाकी पूरी पैकेजिंग काफ़ी सही कर दी गई है, और यहाँ पे भी आपको BYD की बैजिंग मिल जाती है। साथ ही आप देखेंगे वाइपर फ्लूड आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, और अंडर हुड इंसुलेशन आपको यहाँ पे दे दी गई है, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हैं। और अब आ गया हूँ वापस से बूट पे, और बूट पे आपको क्या दिखाना है तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक बूट आता है इस गाड़ी के अंदर, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डीप बूट है। ऑल दो यहाँ पर लाइटिंग वगैरह थोड़ी कम है, बट यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सबवूफर भी मिल रहा है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पेयर व्हील वगैरह यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है, और रेयर सीट आपको 60-40 स्प्लिट दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी प्रॉपर कवरेज दी गई है, और थोड़ा सा स्लो है बट इलेक्ट्रिक बूट और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस ही आपको ऑफर किया गया है। तो अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर में देते हैं आपको सभी डिटेल्स इस BYD सील 2024 के बारे में। BN Audio की बैजिंग कर दी गई है, ट्विटर्स की प्लेसमेंट है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एल्कंटारा की फिनिश लग रही है यहाँ पे, एम्बियंट लाइट्स है, और टेक्सचर्ड प्लास्टिक्स का यूज़ है।
अब देखेंगे तो पियानो ब्लैक में आपको कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, और बूट के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल दिया गया, साथ ही स्पीकर्स का सेटअप दे दिया गया, BYD की सेल प्लेट्स आपको यहाँ पे दी गई, और ये कुछ चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। यहाँ आपको कॉइन होल्डर, बॉटल होल्डर दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर सीट्स की तरफ आप नज़र डालेंगे तो काफ़ी वेल क्वालिटेड सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इनग्रेस आउटग्रेस मेरे जैसे बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट ओवरऑल आपको फील काफ़ी ज़्यादा अच्छी आने वाली है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 1-on-1 डिटेल्स की, और एक एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे तो AC वेंट्स के यहाँ पे कोई नॉब नहीं है एडजस्टमेंट के लिए। क्यों नहीं है, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट वाले AC वेंट्स देखने को मिलते हैं। स्टेयरिंग की तरफ आ जाते हैं, टिपिकल BYD स्टेयरिंग है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं, मोड्स दिए गए हैं, BYD की बैजिंग है, ADAS के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और अपने मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स तो यहाँ पे रहते ही रहते हैं। बाकी BYD का सिग्नेचर आप देखेंगे तो आप अपने म्यूजिक सिस्टम को किसी भी तरह से रख सकते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। नेक्स्ट आ जाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर आपको देखने को मिलता है, 97% चार्ज है गाड़ी इस टाइम पे। उसके अलावा ऑल ब्लैक इंटीरियर है, इसीलिए मैंने इस टाइम फ्लैश ऑन करी है। आपको स्पीडो अपने म्यूजिक सिस्टम की डिटेल्स देंगे फ्लैश को ऑफ करके। 15.6 इंच का ये आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है, जिसे आप दोनों ही तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड दे दिया गया, और यहाँ अगर आते हैं तो कुछ इस तरह का गियर लेवर, ऑटो ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, उसके अलावा आप देखेंगे पार्किंग, साथ ही आपका हजार्ड लैम्प स्विच, ब्राइटनेस एडजस्ट, ऑन ऑफ, AC कंट्रोल, डिफॉगर, वॉल्यूम नॉब, ट्विन कप होल्डर्स, NFC वाला आर्मरेस्ट आपको दिया गया, और आर्मरेस्ट के अंदर एक ठीक ठाक स्टोरेज, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। सीट्स दोबारा दिखा रहा हूँ, सीट्स ओवरऑल काफ़ी अच्छी रखी गई हैं। और पैसेंजर डोर की अगर बात करते हैं तो अब शायद आपको एक बेटर आइडिया और बेटर लुक मिल पा रही हो सभी चीज़ों की। और डैशबोर्ड अगर पैसेंजर साइड की बात करें तो काफ़ी अच्छी लेयरिंग कर दी गई है, और आप देखेंगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक आपको सॉफ्ट टच का यूज़ और क्वालिटी और प्रीमियम फैब्रिक्स का यूज़ भरपूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ऊपर एक सबवूफर भी देखने को मिल जाएगा। और कंट्रोल्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पे टच बेस्ड कंट्रोल्स आपको मिलते हैं लाइटिंग वगैरह के, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मिलेगा, मिरर दे दिया गया है, लाइट्स दे दी गई हैं पैसेंजर साइड, उसके अलावा ड्राइवर साइड भी मिरर विद लाइट्स प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट आप कहेंगे रिफ्लेक्शन आ रही है, तो सामने अगर आप वो लाइट्स की तरफ देखेंगे तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि इंडोर एरिया में इतनी हाई लाइटिंग के ऑपोजिट अगर मैं बैठूंगा तो रिफ्लेक्शन आपको किसी भी म्यूजिक सिस्टम में आएगी, तो वहाँ पे क्वालिटी कंसर्न वगैरह नहीं कह सकते। अब बात करते हैं फीचर्स की, तो आप देखेंगे फोन, स्पॉटिफाई, रेडियो, AC कंट्रोल्स भी आपको यही है, कहीं सेपरेट AC कंट्रोल्स नहीं मिलते। कार की तरफ चलते हैं तो यहाँ आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टीयरिंग असिस्ट मोड को आप कम्फर्ट और स्पोर्ट पर रख सकते हैं, ब्रेक असिस्ट मोड आप एडजस्ट कर सकते हैं, कंफर्ट पार्किंग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अभी हमें व्हीकल सेटिंग्स में फिर चलेंगे बाकी चीज़ों की तरफ। लाइट्स में एम्बिएंट लाइटिंग के कलर एडजस्टमेंट आपको पूरी तरह से यहाँ पे दे दिए गए हैं। उसके अलावा होल व्हीकल फ्रंट और रेयर आप जिस तरह की जो एडजस्टमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके अलावा विद म्यूजिक एडजस्टेबल एडजस्ट हेडलाइट हाइट, उसके अलावा फॉलो मी होम हेडलाइट, हेडलाइट बिफोर एंटरिंग, इंटेलिजेंट वेलकम लाइट, तो लाइट्स में आपके ये कुछ ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं तो हेड्स अप डिस्प्ले आपका यहाँ पे प्लेस किया गया, और इसके लिए भी आपको हाइट एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट और वॉइलिंग एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। प्लस मोड में आप क्लासिक और स्नो दो मोड्स की तरफ जा सकते हैं, और ऑप्शनल डिस्प्ले कॉन्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं एक्सटर्नल मिरर्स, ऑटो फोल्ड ऑन या ऑफ कर सकते हैं आप, फ्लिप व्हाइल रिवर्सिंग, ये दो ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए। ग्रीटिंग की अगर बात करते हैं तो सीट और ऑटो वाइपर के ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जो कि अगेन आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। नेक्स्ट आ जाते हैं AC में, तो फैन स्पीड रिडक्शन ड्यूरिंग कॉल्स, जिससे कि आप कॉल पे इजीली बात कर पाएं, ऑटो एयर सर्कुलेशन, रिमोट कंट्रोल एयर कंडीशनर रनिंग टाइम, ऑटो AC मोड और ऑटो प्योरीफिकेशन। सीट की तरफ में सीट एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, उसके अलावा सीट वेंटिलेशन और हीटिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। इसके अंदर आप देखेंगे
दो लेवल्स हैं दोनों ही अपनी वेंटिलेशन और हीटिंग के लिए। बाकी डोर्स एंड विंडोज में अगर चले तो ट्रंक ओपन हाइट, रिमोट की के ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके अलावा ऑटो क्लोज और की से रिलेटेड फंक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं मोस्टली। नोटिफिकेशंस में कुछ ये ऑप्शंस है। और नेक्स्ट चलते हैं अपनी एनर्जी वाले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट टॉक अडेप्शन कंट्रोल, साथ ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, रेंज डिस्प्ले, चार्जिंग की सेटिंग्स दी गई हैं, कंजम्पशन आपको शो कर देता है और कंजम्पशन ग्राफ भी दिखा देता है। अब अडैस, तो अडैस के बारे में अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था, तो अब बता देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर आपको अडैस मिल जाता है और अडैस के सभी फीचर्स आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो अडैस के अंदर ये एक्टिव सेफ्टी वगैरह के फीचर्स भी हैं। और वापस से जाते हैं व्हीकल की तरफ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है अडैस का, तो इसमें पार्किंग असिस्टेंस का भी ऑप्शन है। और सिस्टम सेटिंग्स की तरफ अगर चलें तो एक टिपिकल जो आपके म्यूजिक सिस्टम में ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, पर्सनल हॉटस्पॉट और ऑडियो रिलेटेड ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। प्लस डिस्प्ले में आप ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, थीम अगर आप लाइट भी रखना चाहते हैं तो आप देखेंगे आप रिफ्लेक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रही होगी। और सॉफ्टवेयर वगैरह तो एक टिपिकल टैब वाले कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो आपको ऑब्वियसली दिया ही जाता है। टच रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड है। साथ ही आप देख सकते हैं टच रिस्पॉन्स में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और काफ़ी बड़ा ये स्क्रीन दिया गया है। यहाँ की अगर बात करते हैं अपने स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर का साइज़ एप्ट है, कोई बहुत बड़ा या बहुत छोटा मैं इसे नहीं बोलूँगा, बट क्योंकि अभी व्हीकल अभी काफ़ी देर से स्टार्ट है तो इस वजह से इसके कंट्रोल्स यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे हैं। तो कभी इस गाड़ी को डिटेल में चलाऊंगा तो इसकी डिटेल्स आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। रूफ़ की अगर बात करते हैं तो रूफ़ आप देखेंगे फुल ग्लास रूफ है और यहाँ पे किसी भी तरह की ओपनिंग आपको नहीं दी गई है, तो इसे सनरूफ हम नहीं कह सकते हैं। चलिए अब चलते हैं बैक सीट पे और वहाँ देते हैं आपको इसकी बाकी डिटेल्स। तो सेम फिनिशेस हैं जैसे कि फ्रंट में आपको दिखाई थी, और यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, बस यहाँ कॉइन होल्डर थोड़ा सा छोटा है और डोर का एरिया भी थोड़ा छोटा है, प्लस आपकी सिल प्लेट जो है उन पर BYD की बैजिंग नहीं है। रियर सीट आप देखेंगे तो तीन आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, एक आर्मरेस्ट मिलता है और अब आ चुका हूँ अंदर रियर सीट के। तो रियर सीट पे भी आपको कंफर्ट ठीक ठाक मिलता है, अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे अच्छी दी गई है, रियर से डैशबोर्ड डिज़ाइन कुछ ऐसा लगता है और फुल ग्लास रूफ आपकी कुछ ऐसी दिखाई देती है। यहाँ पे भी आपको टच बेस्ड लाइट्स दिए जो कि इस टाइम ऑन ऑफ नहीं हो रही है, जस्ट बिकॉज आगे आप देखेंगे डोर ओपन है। यहाँ आप देखेंगे तो ग्रैब हैंडल्स आपको दे दिए गए हैं तीनों ही जगह पे, रियर AC वेंट्स है, उसके अलावा आपको नीचे एक कबी होल दिया गया और सीट्स के अंदर कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग कर दी गई है। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो कम्फर्ट काफ़ी ज़्यादा सही है। और अब बात करते हैं बाकी डिटेल्स की जो कि एक EV को लेके काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है जान लेनी। दोस्तों अब बारी आ चुकी है इसकी रेंज, इसके वेरिएंट्स, इसके डायमेंशंस और इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको बताने की। तो सबसे पहले आपको इस एंगल से लेंथ दिख रही है पूरी गाड़ी की जो कि है 4800 mm की, यानी कि 4.8 meters। उसके अलावा इस एंगल से आपको दिखाई दे रही है इसकी विड्थ जो कि दोस्तों है अपनी 1875 mm की। नेक्स्ट अपने पार्ट की तरफ चलते हैं तो इस गाड़ी की हाइट, अब हाइट थोड़ी सी कम है क्योंकि एक कूपे टाइप सेडान है ये, 1460 mm की इसकी हाइट आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा व्हील बेस की बात करते हैं तो 2920 mm का व्हील बेस है और रेयर अपने बूट स्पेस है 400 liters की। बाकी गाड़ी का कब वेट डिपेंड करता है अपने वेरियंट्स के ऊपर। और ड्राइव फॉर्मेट या पावर ट्रेन की अगर बात करें तो रेयर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दो फॉर्मेट्स के अंदर ये गाड़ी आपको अवेलेबल होती है, तीन वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल होती है। तो दोस्तों अब आपको आ गया हूँ वेरिएंट्स बताने। आप देखेंगे फ़ोन है मेरे हाथ में, अब ये फ़ोन क्यों है आपने जनरली देखा होगा, मैं आपको कोई भी चीज़ पढ़ के नहीं बताता हूँ, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट आपको बतानी है ताकि जो नेक्स्ट पार्ट आपके लिए आने वाला है वर्डिक्ट का वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिल पाए। तो इस गाड़ी के अंदर तीन वेरिएंट्स आते हैं, उन तीनों वेरिएंट्स का पहले तो नाम आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों डायनामिक, प्रीमियम और परफॉर्मेंस।
डायनामिक वेरिएंट का प्राइस है 41 लाख रुपीज एक शोरूम, अपने प्रीमियम वेरिएंट का प्राइस है 45 लाख 55,000 एक शोरूम, और अपने परफॉर्मेंस वेरिएंट का प्राइस है 53 लाख एक शोरूम। तो मोटा मोटी अगर हम देखेंगे तो 5 लाख रुपए का और 7 लाख रुपए का गैप है अपने बेस से सेकंड बेस की तरफ और उसके बाद सेकंड बेस से टॉप एंड की तरफ। ये चीज नोट करके रखिएगा, इससे आपको काफी सारा आइडिया मिलेगा अपने आने वाले पॉइंट्स में। फीचर्स की बात करते हैं तो वेरिएंट वाइज फीचर्स में आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलता, हल्की फुल्की चीजें हैं बट वो इतनी वर्दी नहीं है कि 5 से 7 लाख रुपए का गैप जस्टिफाई कर सके। तो क्या चीजें जस्टिफाई होती है, नीचे के जो दो वेरिएंट्स हैं वो आते हैं रियर व्हील ड्राइव फॉर्मेट में, और अपना जो टॉप एंड वेरिएंट है वो आता है ऑल व्हील ड्राइव फॉर्मेट में। इस गाड़ी को जब मैं आपको दिखा रहा था तो आपको एक ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग दिखाई थी पीछे की तरफ, वही असली पहचान है कि मैं आपको एक टॉप एंड वेरिएंट दिखा रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों जो आपको पॉइंट्स बता रहा था उससे अलग एक इलेक्ट्रिक कार में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, गाड़ी का बैटरी पैक, गाड़ी की पावर और गाड़ी की रियल लाइफ रेंज या क्लेम्ड रेंज भी हम कह सकते हैं, उसके अंदर भी फर्क है। क्या फर्क है और कैसे कैसे ये फर्क जाता है वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी की। तो बैटरी कैपेसिटी बेस वेरिएंट की आती है 61.44 किलोवाट आर की, वेयर एज ऊपर के दो वेरिएंट्स की आती है 82.56 किलोवाट आर की। यानी कि बैटरी पैक में एक मेजर डिफरेंस आ जाता है अगर आप बेस वेरिएंट या फिर उससे ऊपर वाला वेरिएंट खरीदते हैं। माफी चाहूंगा, एक कॉल आ रही थी, उस चीज को इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट रेंज की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों बेस वेरिएंट की रेंज क्लेम करी जा रही है 510 किलोमीटर की, मिड वेरिएंट की रेंज क्लेम करी जा रही है 650 किलोमीटर की, और टॉप वेरिएंट की रेंज क्लेम करी जा रही है 580 किलोमीटर की। तो अब आपका सवाल आ रहा होगा कि मिड वेरिएंट में सबसे ज्यादा रेंज है और टॉप वेरिएंट में बीच में रेंज है, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ये जो बैज है ऑल व्हील ड्राइव, इस वजह से आपकी रेंज कम हो जाती है बट पावर और फन जो है गाड़ी को चलाने का वो मैक्सिमाइज हो जाता है। अब ये पॉइंट जस्टिफाई हो गया बैटरी कैपेसिटी और रेंज से रिलेटेड, तो पावर की तरफ आ जाते हैं। तो दोस्तों 0 to 100 एक्सेलरेशन की अगर बात करूँ तो इसका बेस वेरिएंट 7.5 सेकंड में 0 to 100 करता है, इसका मिड वेरिएंट 5.9 सेकंड में 0 to 100 करता है, और इसका ये जो टॉप एंड वेरिएंट ऑल व्हील ड्राइव वाला है ये 3.8 सेकंड में 0 to 100 करता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों देखा आपने इस BYD Seal 2024 के टॉप एंड वेरिएंट का एक डिटेल्ड वॉकराउंड, सभी चीजें वैसे तो मैंने आपको वीडियो के दौरान बता दी, बट अब बात करते हैं वर्डिक्ट की कि कौन सा वेरिएंट आपको देखना चाहिए और कौन सा वेरिएंट इग्नोर कर देना चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो सबकी अपनी कैलकुलेशंस होती है और मेरा टेक वेरिएंट्स को लेके कुछ ऐसा है कि या तो इसका एक्सट्रीम लोएस्ट वेरिएंट जो 41 लाख रुपीज के प्राइस में आता है आप उसकी तरफ अपनी नज़र बनाएं, या फिर ये वेरिएंट जो एक्सट्रीम टॉप एंड वेरिएंट है जिसके अंदर आपको मैक्सिमम पावर, ऑल व्हील ड्राइव की कैपेसिटी और मैक्सिमम फीचर्स मिलते हैं 53 लाख रुपीज के प्राइस में, आप उसकी तरफ अपनी नज़र बनाएं। मिड वेरिएंट मेरे को उतना खास नहीं लगा, सबकी अपनी पर्सनल थॉट्स होती हैं, सब हर चीज़ को एक अलग वेटेज देते हैं, तो उस हिसाब से ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सबकी अपनी कॉल है। अब में से काफ़ी सारे लोग नीचे ये भी लिख सकते हैं कि मिड वेरिएंट के अंदर मैक्सिमम रेंज ऑफर करी जा रही है और मैं कह रहा हूँ कि मिड वेरिएंट नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों हर एक की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। बाकी अगर फीचर्स की बात करूँ तो निचोड़ में आपको ये बता देता हूँ कि इसके सभी वेरिएंट्स के अंदर मोटा मोटी फीचर्स सेम है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है फीचर्स का जो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ बन जाए कि आपको नेक्स्ट वेरिएंट की तरफ शिफ्ट होना पड़े। बाकी दोस्तों आपकी क्या कॉल है इस BYD को सील को लेकर, लिखिए कमेंट सेक्शन में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।